कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न वो पढ़ेंगे बेटा, 2 नंबर के 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको उनको पढ़ना है, तो लेखांकन के उद्देश्य बताइए। इसके पहले अपन ने इसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप एक वाक्य में उत्तर दें, है ना, सही विकल्प चुनकर लिखें। आज अपन पढ़ेंगे बेटा लेखांकन के उद्देश्य बताइए। तो लेखांकन के 2 उद्देश्य होते हैं। तो पहला है वित्तीय व्यावसायिक लेन देनों का विविध लेखों लेखा करना और व्यवसाय का शुद्ध लाभ हानि जानना। तो लेखांकन के 2 मुख्य उद्देश्य बेटा परीक्षा की दृष्टि से 2 अंकों के ये प्रश्न है। फिर लेखांकन के 2 लाभ लिखिए। तो लेखांकन के 2 महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। तो लेखांकन के 2 महत्वपूर्ण लाभों को बताइए। तो पहला है व्यवसाय संबंधी वित्तीय सूचना का ज्ञान होना। तो जो व्यवसाय होता है उस संबंधी समस्त वित्तीय सूचनाओं का ज्ञान होना। फिर व्यवसाय में कर निर्धारण, आवश्यकता अनुसार ऋण लेने में सहायता प्रदान करना। तो लेखांकन का 2रा महत्वपूर्ण लाभ है आवश्यकता अनुसार ऋण लेना और सहायता प्रदान करना। फिर लेखांकन की शाखाएं, जो लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो लेखांकन की महत्वपूर्ण कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। तो लेखांकन की 3 शाखाएं होती हैं। तो पहला है वित्तीय लेखांकन, दूसरा है प्रबंधकीय लेखांकन और तीसरा है लागत लेखांकन। तो लेखांकन की प्रमुख शाखाएं 3 है, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन। फिर उसके बाद है लेखांकन की सूचनाओं, जो लेखांकन की सूचनाएं होती हैं उनके प्रकार बताइए। तो लेखांकन की सूचनाओं से व्यवसाय के वित्तीय निष्पादन जो होते हैं और संबंधी सूचनाएं, वित्तीय संबंधी सूचनाएं, रोकड़ प्रवाह संबंधी सूचनाएं शामिल होती हैं। जो 3 प्रकार की लेखांकन की सूचनाओं को लेखांकन की सूचना व्यवसाय की वित्तीय निष्पादन संबंधी सूचनाएं होती हैं, वित्तीय स्थिति सूचनाएं होती हैं और रोकड़ प्रभाव संबंधी सूचनाएं होती हैं। फिर लेखांकन सूचनाओं को गुणात्मक विशेषताएं लिखिए। तो लेखांकन की जो लेखांकन की एक गुणात्मक विशेषताएं हैं, पहला है विश्वसनीयता। मतलब जब भी अपन लेखांकन सूचनाओं को उसकी गुणात्मक विशेषताओं के अंतर्गत तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए। तो इसके 2 गुणात्मक विशेषताएं, पहला विश्वसनीयता और अनुरूपता। फिर लेखांकन की कोई एक सीमा बताइए। तो लेखांकन में जो अमौद्रिक घटनाएं या अव्यवसायिक व्यवहारों पर ना लिखा जाना लेखांकन की सीमा है। तो लेखांकन की अमौद्रिक घटनाएं, अव्यवसायिक व्यवहारों का लिखा जाना ही लेखांकन सीमा है। उसके बाद है अनुरूपता संबंधी गुणात्मक विशेषताओं को आप से, मतलब जो अनुरूपता संबंधी और गुणात्मक विशेषताओं से आपका क्या आशय है। तो इसका आशय होता है कि व्यवसाय की केवल उन्हीं सूचनाओं की वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाता है। मतलब जो व्यवसाय में केवल उन्हीं सूचनाओं को वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाता है जो व्यवसायिक उद्देश्यों को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए 2 नंबर के प्रश्न है बेटा। तो अनुभूक्ता संबंधी गुणात्मक विशेषता से आपका क्या आशय है। तो जो सूचनाएं होती है वित्तीय विवरण को प्रकट करती है, प्रकट किया जाना ही व्यवसायिक उद्देश्य का क्या होता है महत्वपूर्ण। फिर है लेखांकन की सूचनाओं को, मतलब जो लेखांकन की सूचनाएं हैं बोधगम्यता से आप क्या समझते हैं। तो लेखांकन सूचना की बोधगम्यता से आता है उसका सरल स्पष्ट आना, योग्य होना, एक साधारण से व्यक्ति को समझना और सूचना में जिन्हें लेखांकन के सिद्धांतों का कोई भी ज्ञान ना हो। लेखांकन सूचना की बोधगम्यता से आप क्या समझते हैं, लेखांकन की जो सूचना होती है उनका बोधगम्यता से आता है, उनका
सरल स्पष्ट एवं समझने योग्य होना चाहिए। विश्वसनीयता और तुलनात्मक से क्या आशय है? तो जो लेखांकन सूचना है उसकी विश्वसनीयता और तुलनात्मकता में क्या आशय है? तो लेखांकन सूचनाएं दी जा रही सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो विश्वास के साथ सत्यापित हो सके और सूचना को तुलनात्मक गुण होना चाहिए, चालू वर्ष की प्रगति में तुलनागत की जा सके और इसे अंत फर्म विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। तो वह कौन सा पक्षकार है, वह कौन सा पक्षकार है जो लेखांकन सूचनाओं का वह उपयोग करता है? तो व्यापारिक लेनदेन वह पक्षकार है, मतलब व्यापारिक लेनदेन है जो वह पक्षकार है जो लेखांकन सूचनाओं का वह उपयोग करता होता है। दीर्घकालीन ऋणदाताओं को लेखांकन से संबंधित कौन सी गुणात्मक विशेषताएं हैं? तो इसमें उपकरण की वित्तीय स्थिति में संबंधित सूचना का संबंध दीर्घकाल और ऋणदाताओं से होता है। वह दीर्घकालीन ऋणदाताओं का लेखांकन से कौन सी ज्यादा गुणात्मक विशेषता है? तो उसका है उपकर्म की स्थिति, जो उपकर्म की स्थिति होती है उसकी सूचनाओं का दीर्घकालीन और ऋणदाताओं से होता है। फिर है लेखांकन सूचनाओं का वह उपयोगकर्ता करने वाला पक्षकार का नाम बताइए जो संस्था उधार का मतलब क्रय करती है। ऐसा व्यक्ति जो माल को आपूर्तिकार से होता है वह बाहर उपयोगकर्ता कहलाता है। मतलब जो लेखांकन सूचनाओं का वह उपयोगकर्ता होता है, पक्षकार का नाम बताइए। ऐसा व्यक्ति जो माल का आपूर्तिकर्ता होता है वह वह उपयोगकर्ता कहलाता है। फिर उन तीन वाहकर्ताओं के नाम बताइए जो लेखांकन सूचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। तो जो पहला है व्यावसायिक लेन देन है, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं एवं सरकार, ये तीन वह पक्षकार हैं जो सूचनाओं से प्रत्यक्ष रूप से क्या है, संबंधित है। तो व्यावसायिक लेन देन के बिना कोई भी लेखांकन प्रस्तुत नहीं बनता, बैंक, वित्तीय व्यवस्था और सरकार। तो ये तीन प्रत्यक्ष रूप से जो लेखा सूचनाओं के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है वो है व्यावसायिक लेन देन, लेनदार, बैंक एवं वित्तीय संस्था एवं सरकार। फिर उसके बाद है विज्ञान के रूप में, जो लेखांकन विज्ञान और कला के रूप में, इसका प्रश्न है लेखांकन विज्ञान एवं कला के रूप में दोनों। तो विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं और विज्ञान में कुछ आधारभूत नियम व सिद्धांत होते हैं। वो कैसे होते हैं? वे शब्दमान होते हैं और दृष्टि से अगर हम लेखांकन के देखें तो ज्ञात होगा कि लेखांकन एक विज्ञान है। फिर इसी के अंतर्गत ये विज्ञान के रूप में हो गया लेखांकन। अब ये कला के रूप में, कला से आशय है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब जो कला के क्षेत्र में जो लेखांकन का उपयोग है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम रीति। इससे हमें ज्ञात होता है कि निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए उचित रीति को कला कहते हैं। फिर लेखांकन विज्ञान कला और दोनों के रूप में, कला और विज्ञान दोनों के रूप में, तो वित्तीय लेखांकन में वित्तीय व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में और निश्चित नियमों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इसे लेखांकन विज्ञान कहते हैं। लेखांकन हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं, मतलब जो लेखांकन होता है वह हिसाब किताब की पुस्तकें आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती हैं और इन पुस्तकों के व्यवहार को उचित रीति से इनको क्या किया जाता है, प्रवस्थित किया जाता है। इसलिए यह कला भी कहा जाता है। जो पुस्तकें हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो लेखे किए जाते हैं उस व्यवहारों को प्रविष्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। तो लेखांकन कला और विज्ञान के रूप में। फिर लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो लेखांकन के ये चार नंबर के दृष्टि से, तीन नंबर के दृष्टि से क्वेश्चन है बेटा। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है व्यवसायिक लेन देन का करना, मतलब व्यवसाय को लेन देन का लेखा करना। दूसरा है लाभ हानि खाता ज्ञात करना। तीसरा योजना बनाने में सहायक
और चौथा निर्णय में सहायक और असिद्धियों का निर्णय नियंत्रण समायोजन करना। विशेषताओं में पुस्तपालन पर आधारित होती है। लेखाकर्म में निश्चित पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है। लेखाकर्म में मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है और लेखाकर्म कानूनी प्रावधानों और नियमों पर क्या होते हैं आधारित होते हैं। और लेखाकर्म के परिणाम कैसे होते हैं एक निश्चित समय के बाद को निकाला जाता है। फिर उसके बाद है लेखांकन सूचनाओं की बोधगम्यता से आप क्या समझते हैं। ये सरल होते हैं, स्पष्ट होते हैं। एक साधारण से साधारण व्यक्ति इन सूचनाओं को लेखांकन का सिद्धांतों को क्या करते हैं जिनको ज्ञान भी ना हो। फिर लेखांकन सूचनाओं में विश्वसनीयता और तुलनात्मकता से क्या आशय है। तो लेखांकन सूचनाओं में दी जा रही सूचनाएं विश्वास के साथ क्या होती है सत्यापित होती है। सूचनाओं की तुलनात्मक गुणों का होना चाहिए। चालू वर्ष में प्रतिगत वर्ष में की जा सके और दीर्घकाल अंत के फर्क विश्लेषण द्वारा किया जाता है। जो चालू वर्ष होता है उसकी प्रगति की तुलना में गत वर्ष से की जा सके उसकी तुलना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बच्चों आपके छोटे छोटे प्रश्न थे। आप इनको याद करोगे और कॉपी में लिखोगे और परीक्षा के लिए तैयारी करोगे। धन्यवाद बच्चों।